हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पीडी क्लासेस अगर आप जे आर बी टी में एज ए एग्रीकल्चर असिस्टेंट जा रहे हैं तो मैं आपको उनकी वर्क प्रोफाइल बताना चाहूँगी एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट की बहुत सी रिस्पांसिबिलिटीज और ड्यूटीज़ होती है उनका कार्य होता है सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की हेल्प करना उन्हें सपोर्ट देना इसके अलावा जो भी प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए नए नए कंसेप्ट बनाना प्लान्स बनाना डायग्राम्स बनाना और फार्मर्स के साथ उसके लिए के मैथड्स को लेकर इंटरेक्ट करना ताकि प्रोडक्शन रेट को और बढ़ाया जा सके एंड कंडक्टिंग मीटिंग विद द फार्मर्स एंड इंश्योरिंग द गुड रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ऑर्गेनाइज द कैंपें और प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट टू एंड एडवाइस ऑन एग्रीकल्चर सच एज रिसर्च फॉरस्ट्री सर्विसिंग प्रोडक्शन एंड एनिमल हजबेंड्री एंड एग्रोनॉमी इंटेक्ट फार्मर ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर प्लफिंग फील्ड and guide the farmer for planting, cultivation, and harvesting, presents workshops, and trains the farmer for he distributes knowledge about the pesticides, herbicides, and insecticides, and irrigation methods, and collect the soil samples and distribute the soil health card, and distributes the knowledge about the beneficial loans, policies, schemes, and other department by, which made by the government for agriculture department. And he mobilized the farmer for ग्राम सभा एंड किसान मेला और आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप में बहुत सी स्पेशल फाइव स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है जैसे कि एडवाइजिंग कोचिंग काउंसलिंग वर्क स्किल्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर की जो स्किल्स है वो होनी चाहिए इसके अलावा आप में मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए प्रैक्टिकल फार्मिंग स्किल्स होनी चाहिए और जो भी क्रॉप्स में कॉजेज़ और डिजीज़ लगते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं उनकी अपडेट होनी चाहिए जो फार्मर्स के लिए बनाए जाते हैं अगर आप जे में एज ए एग्रीकल्चर असिस्टेंट जॉब करने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक गाइज थैंक यू